सुपर संडे में मौजूद है रोहा नदीम हेलो रोहा कैसी हैं आप गुड मॉर्निंग शहजाद गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज जॉइनिंग नाउ ऑन गेम ऑन है शहजाद आपने गलत बोला है, आपने क्यों डिफेंडिंग चैंपियंस उनको कहा है उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि हम नहीं डिफेंड कर रहे आई डोंट थिंक हमें अब उनको डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर रेफर करना चाहिए कुछ और जो भी उनको जो भी वो एम्बॉडी कर रहे हैं इस वक्त सेंटिमेंटिप आज वी विल फाइंड आउट टूडे आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है जी देखते हैं आज किसका कॉन्टेस्ट है वी आर गोइंग टू लखनऊ टू विटनेस दिस कॉन्टेस्ट इट्स गोइंग टू बी मैच नंबर ट्वेंटी नाइन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टॉप ऑफ द टेबल वर्सेज बॉटम ऑफ द टेबल ये दो टीम्स जो हैं आमने सामने आज होंगी अलॉट फॉर इंग्लैंड टू लूज अगर वो आज का मैच हारते हैं थिंग्स विल लुक वेरी आई एम टोल्ड के वो बाहर नहीं होंगे मैथमेटिकली लेकिन शहजाद इन ऑल रियलनेस अगर आज इंग्लैंड uh, ये मैच नहीं जीतते थिंग्स विल लुक वेरी ब्लिक फॉर देम एंड इट माइट जो बाकी हैं वो बहुत unlikely हो जाएंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे बट इंडिया ऑन द अदर हैंड लोक वेरी वेरी कंफर्टेबल लेट सी वर्ट कॉम्बिनेशन दे प्ले सबके बारे में बात करेंगे सार सार में बात और भी कर सिर्फ दो भी ऐसा हो चुका है कि डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो नॉकआउट स्टेज में जाने से पहले ही बाहर चले गए और दैट वाज समय इन 1992 टू एंड नाइनटीन ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका एंड सर्टनली दिस कैन बी द सिचुएशन फॉर इंग्लैंड टुडे एज वेल विदाउट एनी फर्द डू लेट्स इंट्रोड्यूस अर्ल द गैस वंडरफुल गैस टू बेह इन द स्टूडियोज ऑफ द रैकेट भी बड़ी मस्ती होना शुरू हो गई है हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ इन सोशल मीडिया के ऊपर वो शेयर करें लेकिन सबसे पहले खातनों आजाद हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है

ने कहा ऑफ द रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे चले जाएंगे तो ऑन द रिकॉर्ड हो जाएगी तो वो सारा कुछ खत्म नहीं हो थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं पेस्ट ना चलने <laughs> चले, देखे, अभी भी देख ले नहीं पता चल रहा है कि ये गुस्से में कह रहे हैं मुस्कुरा कह रहे नर्म दिली से कह रहे थैंक यू सो मच बाजू भाई है उन्हीं के साथ खबरों के साथ उस शख्स की भी बात करना चाहते दैट

मेरा ख्याल है हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि हम इसके ऊपर भी बात करेंगे उसका डाटा भी हम कोशिश करेंगे इकट्ठा कर ले हमें जल्द ही तो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे सोशल मीडिया की बात की? जी बता रहे नहीं क्या था उसका मैं ये चाहता हूँ जैसे हम एयर अपने एक दूसरे के साथ इंटरक्ट करते हैं शुगर मस्ती करते हैं खाने खाते हैं जो भी एक्टिविटीज करते हैं थोड़ा बहुत हम अपने व्यूअर्स को उसकी जिस्ट जरूर दें नहीं उसके लिए दूसरे शो हो रहे हैं दूसरी जगह पे पूरे पूरे शो हो रहे हैं सोशल मीडिया के लिए क्रिकेट की बात नहीं होती हम लोग तो क्रिकेट के लिए बिल्कुल ऐसे ही है इसलिए उसके लिए सोशल मीडिया टेलीविजन के ऊपर क्रिकेट की बात yes, स्पोर्ट

टेबल दूसरी तरफ डिफेंडिंग टेबल, टीम स्पिरिट की जहाँ तक हम बात करें इट कुड नॉट बी मोर अपि गेम देखिए कल मैं ये सोच रहा था कि शायद अब इंग्लैंड है शायद वो फेयरलेस क्रिकेट खेलें और मतलब वो जो प्रेशर बैगेज जो है वो खत्म हो गया के अब बहुत मुश्किल है कि सेमीफाइनल में आप पहुंचे तो शायद एक ऐसी टीम डेंजरस हो जाती है जब उनके पास ज़्यादा कुछ गेन करने के लिए ना हो लेकिन <laughs> दूसरी तरफ मैं फिर सोचता हूं कि जो इंग्लैंड की प्रेस है वो बहुत ज़्यादा कवरेज देती है इंग्लैंड में जिस हिसाब से जर्नलिस्ट कवर करते हैं और मतलब बहुत पाए कि अगर आप क्रिकेट जर्नलिज्म की बात करें या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात करें तो इंग्लैंड में ही सबसे ज़्यादा फुटबॉल क्रिकेट सबसे ज़्यादा आर्टिकल सबसे ज़्यादा कवरेज उन्हीं को मिलती है अगर पाकिस्तान में इंग्लैंड का टूर होता है तो आपको पता चल जाता है इंग्लैंड का टूर है क्योंकि साथ उनके जो प्रेस बॉक्स में hmm. इतने ज़्यादा प्रेस के लोग आए होते हैं कि आप हैरान परेशान कोई ऐस, दूसरी कोई ऐसी टीम नहीं है जिसके साथ ऐसे होता है ऑस्ट्रेलिया आए बहुत बड़ी टीम है कोई नहीं आता साथ एक का दो का दो तीन आएंगे ज्यादा से ज्यादा लेकिन इंग्लैंड में यह कल्चर है तो मैं ये सोच रहा था कि फेयरलेस लेकिन जो आउटसाइड नॉइज है जो आउटसाइड प्रेशर है इंग्लैंड पे वो भी बहुत ज्यादा है अभी जो अभी से स्क्रूटनी शुरू होगी है कि क्यों इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई उनका फॉर्मर कैप्टन मॉगन कह रहा है कि ये दिस इज न ऑफ द वर्स्ट डिफेंसिस ऑफ अर टाइटल इन स्पोर्टिंग हिस्ट्री तो हार्श उसके मुताबिक तो हार्श नहीं है लेकिन वो फेयरलेस क्रिकेट वो फ्री माइंड से मुझे नहीं लगता कि फ्री माइंड से हो सकता है जब आउटसाइड प्रेशर और जब वो आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो वहां पर भी वो सवाल पर्टनेंट सवाल होते हैं कोई इधर उधर का सवाल नहीं होता पर्टनेंट सवाल होते हैं तो वो प्रेशर इन पर रहता है तो right. ये कह देना कि शायद आज वो फेयरलेस उन पर प्रेशर ना हो तो वो थोड़ा सा गलत होगा होप हम करते हैं कि वो उसी तरह खेलें लेकिन इंग्लैंड के हिसाब से जैसे पाकिस्तान में होता है कि एकदम मीडिया उठ जाता है लेकिन इंग्लैंड में प्रोफेशनल मीडिया बहुत ज्यादा है और मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनके प्रोफेशन में तो वो बहुत डीप जाके बारीकियों में जाके बात करते हैं तो इवन दो कि हमें लग रहा है कि अब इनका कोई चांस नहीं इवन दो कि हम कह रहे हैं कि यार अब अब क्या रह गया अब तो मतलब खुल के खेल सकते हैं लेकिन यह प्रेशर उन उनप रहेगा एग्जैक्टली exactly. मैं जरा हफीज भाई से भी बात करना चाहता प्रेशर के हवाले से हफीज भाई क्योंकि ये प्रेशर उनके ऊपर एविडेंट बहुत ज्यादा है पंद्रह का स्क्वाड उन्होंने खिलाया कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो अभी तक गेम ना खेलो नॉट जस्ट दैट तीन गेम्स में हमने उनके नाइप कप्तान को भी बाहर बैठते हुए देखा जिसके ऊपर काफी सारा बैकफायर हुआ जहाँ वो आर्टिकल्स की बात करें बहुत सारे आर्टिकल्स उसके ऊपर भी छप चुके हैं

तरीका था खेलने का जो स्टाइल ऑफ प्ले था दैट रिमेन द सेम लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो तो मुझे सबसे ज़्यादा देख के थोड़ी उलझन हुई या मैं समझ नहीं सका कि कैसे वो हर एक मैच की प्लानिंग के अंदर तीन तीन चार तीन मिनिमम उन्होंने की हैं चेंज वो तीन तीन चेंजेस क्यों की इट मीन्स दैट दे वर नॉट श्योर अबाउट द राइट कॉम्पोजिशन कि उन्होंने क्या खेलना है किन कंडिया और इंग्लैंड में इंग्लैंड ने इंडिया में बहुत मरतबा टूअर्स किए हैं ये पाकिस्तान की टीम नहीं है जो पिछले दस साल के बाद जो है वहाँ जा रही हैं कंडीशन ये लड़कों ने वहाँ पर क्रिकेट नहीं खेली हुई आई के मैचेस खेलते हैं ये टूवर्स करते हैं तो दे न्यू एवरी दूसरा इनकी इनकी जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो बदला पहले मैच में जब ये हारे तो हारने के बाद अंडरस्टैंडेबल था कि उन्होंने वही तरीका इख्तियार किया जो अग्रेसिव है जो जो फियरलेस क्रिकेट के के साथ खेला जाता है लेकिन जैसे ही उस मैच के हारने के बाद अगले मैच में एक नया तरीका अपनाया गया जी। तीसरे मैच में एक नया तरीका अपनाया गया फेलियर होना कोई मसला नहीं है यहाँ तो फिर आप उसी तरीके से फेल हो जाए लेकिन आपके तरीके बदल रहे हैं फेल होने के इसका मतलब है कि मेंटली फिजिकली आप वो तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे जो आपकी आपकी बॉडी या आपका स्टाइल ऑफ प्ले है तो ये मैनेजमेंट का फेलियर है फॉर श्योर जो अपनी राइट वे में जो है डायरेक्शन नहीं पास ऑन शायद कर सका या म्यूज़िकल चेट दो आई गई है कि तीन इधर के तीन उधर के, के वो समझ में नहीं आई और जो मैं पहले कह चुका हूँ कि ये जो बॉलिंग लाइनअप थी ये इंग्लैंड की कंडीशन के लिए बेहतर हो जाती है अभी भी इनको इंग्लैंड ले जाएं तो ये वहाँ पे ये बॉलर अच्छी आपको बॉलिंग करके दे देंगे लेकिन इंडिया के अंदर वो बंटी बबली बॉलिंग काम नहीं की चार बंदे ऐसे जो मैं पहले कह चुका हूँ कि वो एक ही तरह के बॉलर थे और उन उनमें से जिसको मर्ज़ी खिला लो परफॉर्मेंस एक ही जैसी आई है तो वहाँ पर आके ये फंस गए और जहाँ पर मैं अब देख रहा हूँ कि वाकई में जो बटलर है अगर वाकई में कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म है ना तो वो शायद कप्तानी का प्रेशर है या फेलियर इतने ज्यादा लगातार आ गए हैं कि वो वो ये वो ये फील कर रहे हैं कि उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही राशिद इंग्लैंड की टीम को अगर हम ऑन पेपर देखें तो सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्रूवन मैच विनर्स हैं उनके तो ऑन पेपर तो ये टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है फुल ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअली ब्रिलियंट प्लेयर्स लेकिन ग्राउंड में वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस इट इज नॉट कमिंग टुगेदर

एक दो मैच से बाहर नहीं हो रही है उनको सारे मैच खेल sure. के बाहर होना है ये थोड़ा सा इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है जैसे बाद ने बा, बात की ए, इनके जर्नलिस्ट की बात की या मीडिया की बात की वो लिखते हैं स्ट्रॉग उसका रिएक्शन जब आता है ना अच्छा होता है और उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी होता है कि क्या वो आपको सोल्यूशन भी दे रहे होंगे ठीक है डिफरेंट कंट्री पाकिस्तान इंडिया में होता सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया जाता है सोलूशन नहीं होते कोई भी क्योंकि एजेंडा बेस्ड होती है ना वो नज़र आ रहा होता है बिल्कुल तो इनका यह है कि ये इनके पास टैलेंट है जैसे बात की अपने स्किल्स हैं प्लेयर्स हैं तो ये इसे निकल आएंगे बाहर क्योंकि इनका जो पॉजिटिव वाइब जब आती है ना जो बात करता हूँ वो यहाँ पे आती है हैं कि, कि स्पोर्ट्स कल्चर है चाहे वो रग्बी में हारते हैं या फुटबॉल में बहुत ज़्यादा ये तो नज़र आ जाता है जब लड़ाई झगड़े इनके होते हैं टेनिस में ये लोग जीते हैं तो क्या स्पोर्ट कल्चर ऑस्ट्रेलिया की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन वे में खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी रीच नहीं किया उन्होंने दोनों टीम का देखें ये श्रीलंका से हारते हैं और अफगानिस्तान से हारते हैं तो अब शोर मतिया ऑस्ट्रेलिया दो बड़ी टीम से हारा है साउथ अफ्रीका ने इंडिया से हार के तो वहाँ लग रहा था कि ये कैसे जाएगा आगे True. अब लग रहा है कि यार ये टीम ना आगे okay. जाएगी खेलेगी दोनों का खेलने का तरीका सिमिलर एक है सोचने का तरीका शायद अलग है इन्होंने फेलियर देखा 19 का वर्ल्ड कप का तो 19 का वर्ल्ड कप दूर नहीं है इंग्लैंड से और 2022 का भी दूर नहीं है तो इनको फेलियर नहीं मिला चार साल में एक दुबई वाला शायद कह सकते हैं वो भी अपनी गलती से वो हार गए ऑस्ट्रेलिया को जीते हुए टाइम हो गया पंद्रह में जीते हुए और दूसरा ये टी ट्वेंटी जीते तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से शायद आए लेकिन उनको फेलियर मिला है शुरू के दो मैचज़ आप देखें सब ने यही कहा कि यार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएंगे कैसा होगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया लगातार चार मैच जीत के आए शायद इंग्लैंड अभी इसमें और काम करेगा शायद मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ से हमें निकलना कैसे बिल्कुल। टीम के प्लेइंग एलेवन बहुत अच्छी है उनको खिलाना कैसे है बेंच को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है आपने ज़बरदस्ती मोन अली को बिठा दिया मैं ये समझता हूँ जहाँ से तो बैठ के हमने बात भी की बिल्कुल आपने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उन उनको बैटिंग दे दी ये आपकी गलतियाँ हैं फिर श्रीलंका के खिलाफ गलत आपने बैटिंग कर ली वो आपकी ग़लती है तो क्या छोटी छोटी गलती बन के फिर बड़ी प्रॉब्लम बन गई है बिल्कुल आज का मैच है मे भी आज ये जीत सकते हैं लेकिन वर्ल्ड कप के बाद ये दोबारा खड़े हो जाएंगे मेरे ख्याल से सबको यकीन होगा उनके सिस्टम के ऊपर उनके मेरिट uh, सिलेक्शन के ऊपर उनकी अप्रोच के ऊपर क्योंकि पिछला शो भी हमने दो वर्ल्ड कप भी दिखा दिया था उनके लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि ये इस मैच को कैसे खेलते हैं आइंदा

कल ये बात स्वीप की बात हो रही थी तो वहाँ से वो हेडिंग हेडलाइन ये बनी थी कि ग्राम गोज स्वीप्स इंडिया आउट ऑफ द सेमीफाइनल की उसने सिर्फ स्वीप ही मारी थी <laughs> अब अब क्योंकि डेवलप हो गई है गेम लेकिन उस वक्त जो एक शॉट था जो स्पिनर्स को काउंटर कर सकता था फिर अगर आप फाइनल की तरफ जाएं तो वो हेडिंग ये बनी कि उसने उल्टी स्वीप मार दी माइक गैटिंग ने खैर उसको छोड़ें आप बट वो बहुत बड़ी विक्ट्री थी कि आप इंडिया में आके सेमीफाइनल इंडिया हराएं Uh, उसके बाद अब जाके मेरे खल जो लास्ट uh, टू वर्ल्ड कप्स हैं उसमें आप देखें तो इंग्लैंड की टीम आगे निकल गई थी सब काफ़ी टीमों से तो उसमें भी uh, ये बेहतर है लेकिन अब वही सुना रही होटी सेवन वाला सुना हो आप बैक इन इंडिया हो लेकिन अब आप गल्फ़ आपको कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है जिस तरह की इंडिया क्रिकेट खेल रही है अगर आप और, मतलब दिन पे तो कुछ भी हो सकता लेकिन आप फॉर्म देखें तो सब यही बात करें कि इंडिया की बॉलिंग बैटिंग सब कंप्लीट है सारे ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स फॉर्म में जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं या जो इस प्लान से खेलना चाह रहे हैं वो वर्क कर रहा है सब कुछ बेहतरीन जा रहा है दूसरी तरफ इंग्लैंड को आप देखते हैं तो वो आपको 2015 वाली वाइब्स आ रही हैं कि भाई ये तो टीम बिल्कुल बिफरी है कोई जो ट्राई कर रहे हैं वो नहीं हो रहा टीम स्पिरिट की हम बात करते हैं लेकिन टीम स्पिरिट आप जज नहीं कर सकते क्योंकि टीम हार रही है तो आपको लगता है ऐसे कि भाई ये भी नहीं कर सकते लेकिन अपनी तरफ से तो वो कोशिश कर रहे हैं जो सबसे बड़ा मसला इधर आ रहा है जी मैंने वर्ल्ड कप से पहले भी ये बात की थी कि जो वनडे क्रिकेट में ओडीआई क्रिकेट में बटलर अपनी कप्तानी या अथॉरिटी स्टैंप नहीं कर सका टी ट्वेंटी ला अब लेकिन इसमें टी ट्वेंटी का भी रेफरेंस है रेफरेंस ऐसे है कि जो टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ इंग्लैंड हारा आयरलैंड से जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने कहा कि हमें अपनी क्रिकेट खेलनी है और मतलब दलेर मतलब दलेरी नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस से अपनी क्रिकेट खेलनी है अगला मैच ये जीतते हैं उस मैच में ये होता है कि बटलर स्कोर करता है जी बटलर सत्तर करता है लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है उसके बाद ये नहीं रुके ये वर्ल्ड कप जीत जाते इस वर्ल्ड कप में जैसे हफीज़ ने बताया कि बहुत आउट ऑफ फॉर्म है तो शायद जब ये पहला मैच आ रहे या दूसरा मैच आ रहे तो यही इसने तकरीर की होगी लेकिन क्योंकि इसे खुद से रन नहीं हो रहे लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं हो रहा तो वो अथॉरिटी स्टैंप नहीं कर नहीं सक रहा, रहा और वो खुद बोल भी रहे हैं। इसमें एक चीज़ है कि जो बात की बटलर की बहुत वैलिड है वो वहां पे ओपन कर रहे थे और यहाँ पे वो नीचे, नीचे आ रहे हैं इसमें क्या रीज़न हो सके यहाँ पे ऊपर आना चाहिए था उनको क्योंकि यहाँ टी ट्वेंटी था IPL में चार सेंचुरी शायद लास्ट ईयर की ऊपर आ सकते थे ये नहीं आ तो सकते थे अगर ये कप्तान ना होते तो, तो शायद मॉर्गन इनसे ये करवा भी लेता लेकिन इस वक्त वो ये देख रहा है कि जी हम मैंने रॉय को हम नहीं ले आए उसकी जगह हम मलान को ले कर आए बेस्टो तो है अब मलान को जिस वजह से ले आए हैं उससे मैं हटा दूंगा तो पीछे भी चल रहा ना वो खुद ओपन कर लेगा तो फिर सवाल होंगे भाई वो रॉय को तुम छोड़ के आए हो और मलान को आप इस पर्पस से लेके आए हो और अब आप खुद ओपन कर रहे हो अगर मॉगन होता कप्तान अगर ये इस पे प्रेशर्स ना होते तो शायद जो राशिद भाई कह रहे हैं वो हो होते अगर मलान अगर आपने लिया है रॉय को निकाला है आपने ब्रूक को लिया है मिडिल ऑर्डर को लिया था जी तो ऐसा इंग्लैंड में बहुत कम होता है कि आपने ओपनर की जगह आपने मिडिल ऑर्डर ले लिया और वो भी ड्रॉप हो गया तो गलती तो ऊपर भी चल रही है ना क्या कि डिसीजन में, तो में, में इंग्लैंड की हमने काफी बात की इंडिया की तरफ अगर हम आए इंडिया का रिकॉर्ड अभी तक अगर हम डेज <laughs> में तो हमने देखा ही है बट 2011 के बाद से हफीज इंडिया ने सिर्फ चार मैचेस हारे हैं फिफ्टी ओवर वर्ल्ड कप के अंदर सो ये आपके सामने इनके स्टैट्स हैं लुक एट दे हैव प्लेड 31 मैचेस। 31 मैचेस में से 26 उन्होंने जीते हैं सिर्फ चार हारे हैं एक जो है वो टाई हुआ है एंड दिन बट हफीज विध दिससो इंटरेस्टिंग टू नोट कि उन्होंने उसके बाद से कोई ट्रॉफी भी नहीं जीती वर्ल्ड कप की तो इतनी ज़बरदस्त फॉर्म के बावजूद दे डोंट हैव अ ट्रॉफी यहाँ पे व्हाट विल दिस फॉर्म मीन फॉर देम कि वो वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में इतने डोमिनेट होते हैं इंडिया जब भी आप लास्ट दो तीन वर्ल्ड कप्स देखें बट क्या कहेंगे आप इस रिकॉर्ड सिर्फ चार दफ़ा मैचेस वो हारे हैं वर्ल्ड कप्स में देखें वो ये खुद ही बता रहा है कि ये स्टेज गेम जब भी आती है उसमें बहुत अलग खेलते हैं आईसीसी इवेंट के अंदर ऑब्वियसली इनको ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है जैसे आप सोचें कि पाकिस्तान की टोटल आबादी पच्चीस करोड़ है या जैसे भी उसको हम तेईस या चौबीस या पच्चीस जो भी कहते हैं उनके एक्सपेक्टेशन के लोड को जब हम लेके जाते हैं तो वो फील प्रेशर तो उनके तो डेढ़ डेढ़ अरब से ज़्यादा उनकी जो आबादी है तो आप सोचें कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है स्पॉन्सरशिप अल्ट्रम्प जितनी भी चीज़ें आप उनके ऊपर लगा दें तो वो जब भी ऐसी इवेंट में जा रहे हैं दो और उसके बाद इनकी कामयाबियाँ स्टेज ग्रुप में तो बहुत हैं लेकिन नाकआउट में जाके ये गिरते हैं अब ये एक ऐसी ऐसा पॉइंट टू प्रूव है जो इनको चैलेंज करता है राइट right. क्योंकि वो जब जब किसी अच्छी स्टेज पे वो पहुंचते हैं वहाँ पे जाके सेमीफाइनलिस्ट हो हो जाते हैं लेकिन वहाँ पे हार रहे हैं तो अब देखना ये है कि अभी तक तो हकीकत में जो सबसे राइट right कॉम्पोजिशन पे जो टीम hmm. खेल रही है वो ये है इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉग है बैटिंग hmm. पहले आए बाद में आई दिसकोर रनस बॉलिंग पहले आए बाद में आए विकेट्स स्पिनर इनके पास बहुत है तो द तो सेमीफाइनल लेकिन वही वो, से तो sure hmm. वो, वो जो चार मैच है वो स्टेज ग्रुप वाले नहीं है hmm. वो knock -outs knock -outs. नहीं. तो देखना ये है कि जब ये वहां जाएंगे वहां पर जाके वो जो साइकोलॉजिकल आपके ऊपर इम्पेक्ट आता है कि यार वी लॉस्ट कपल ऑफ टाइम्स या थ्री फोर टाइम्स रो क्रिकेट खेल लेकिन हमेशा चैलेंज आएगा वो पॉइंट टू प्रूव वो स्टेज आएगी प्रोफेशनल लाइफ में जिसको आपने पार कर बिल्कुल और वो स्टेज जब लास्ट टाइम इंडिया पे आई थी इन इंडिया तो हम सबको याद है की क्या हुआ था दो हजार ग्यारह में तो लेट सी इस बार क्या डिफरेंट होता है फॉर टीम इंडिया यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं व्हेन वी थोड़ी और बात करेंगे इंग्लैंड के कुछ इश्यूज पे इंडिया के कुछ वीकनेसेस पे और कैसे ये मैच जो है और बैलेंस्ड uh, हमें नजर आ रहा है या विल इट बी अनदर वन साइडेड गेम इस सब के बारे में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक कई मचाईगा Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to PDV Sports. You're certainly watching the pre match analysis on Game On Here. Well, the most anticipated contest is going to take place today, which is why we're referring to it as Super Sunday. It's going to be India versus England, the defending champions. Well, that's certainly something which is haunting them. But for now, there's one addition over here in our panelists, and I would like to welcome him, ladies and gentlemen, the left arm quick. Sure. कहा रह गए थे आप मैं रास्ते, <laughs> रास्ते कोई करेंगे, कोई करेंगे आगे इसी तरह यह सिलसिला बढ़ते रहे हमारे पैनलिस्ट के साथ लेकिन यहाँ पर इस मौके पर खबर तीनों रात एक जरा शॉर्ट एंड स्पीड सी ब्रेक में लेना चाहता हूँ फिर उसके बाद इनशाला वापिस आके गुफ्तु का आगाज करते है मिडिल ऑर्डर के हवाले से गुफ्तु करना चाहते शॉर्ट एंड स्पीड ब्रेक फिफ्टीन सेकेंड ओनली गेम ऑन है और आई ले वर्कअप बैक अब यहाँ पे जो बात करने वाली है जैसे <coughs> हमने राशि भाई से फीस भाई से बाजाई से पहले गुफ्तगु की थी उसके अंदर गुफ्तगु में जो अखज हुआ वो यही हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो भी कॉम्बिनेशन खेले पंद्रह का स्क्वाड सब लड़के खेल चुके हैं वाइस कप्तान को वो तीन <coughs> गेम्स में बिठा चुके हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे इंग्लैंड अब यहाँ पे अगर हम उनका जो मेन रीज़न देखते हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली जहाँ बटलर ये कहते हुए तो ज़रूर नजर आए कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड शायद मैंने तरतालीस बनाए वरना बीस नौ पंद्रह आठ की जो उनकी Innings रही है वो कह रहे हैं मैं एज अ भी शायद नहीं पे जस्टिफाई कर सकता कि मैं अच्छा खेल रहा हूं मिडिल ऑर्डर के ऊपर नजर डालते हैं इंग्लैंड और इंडिया दोनों के तो वहां पे आपको एक वाजे फर्क नजर आता है द तो वे नंबर फोर से लेकर नंबर सेवन तक बैटर्स खेलते रहे हैं मैं जरा राशि भाई की जाने बढ़ना चाहता हूँ इसी बात के साथ राशि भाई इंडिया को सबसे पहले हम देखते हैं पांच मैचेस में इकहत्तर इशार्य आठ की एवरेज रही है फिफ्टी प्लस स्कोर दो ने सेंचुरी नजर आती है चार से सातवें नंबर तक यानी कि हम बात करें श्रेयाज सैयर के एल राहुल सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा जब हम नीचे आते हैं एट द बॉटम इंग्लैंड को देखते हैं जहां उनके मिडिल ओवर की मिडिल जो बैटर्स है उनकी एवरेज अठारह अशार्य पांच है एक फिफ्टी प्लस स्कोर है यानी हम बात करें बेन स्टोक्स बटलर लिविंगस्टन और मोइन अली जी राशि भाई इंडिया का देखा जाए तो टॉप ऑर्डर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसका टॉप ऑर्डर अच्छा फाउंडेशन देता है तेज़ रन करता है तो उसके मिडिल ऑर्डर को आसानी हो जाती है जिस तरह से अभी थोड़ा बेहतर हुआ है ऑस्ट्रेलिया का भी शुरू में उनका बहुत ख़राब था लेकिन जब वार्नर और मार्च ने स्लॉ किया फिर ट्रबल हेड ने किया तो ये बेहतरी की तरफ जाएगा इंडिया का पहले मैच से अगर देखें आप तो एक तो उनको टारगेट कम मिले और ऊपर से रोहित शर्मा जिस तरह से खेल रहे थे तो नीचे विराट कोहली के रन हैं के राहुल के हैं तो इनको प्रॉब्लम इतनी हो नहीं रही तो इनके रिफ्लेक्ट कर रहा है इनकी टीम परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये चीज़ हमने टॉप ऑर्डर में देख ली हमने मिडिल ऑर्डर में देख ली इनकी बॉलिंग भी देखेंगे पेस अलग होगी स्पिन अलग होगी तो उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी इसी वजह से ये टीम टॉप ऑफ द टेबल है एक्जैक्टली exactly. लेकिन सर इसके साथ ये सवाल जरूर बनता है मैं फीस भाई की जानेब भी जाऊंगा कि फर्ज करें कि टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म करता है एंड इट्स नॉट अ वेरी Uh, कहेंगे बहुत ऑफ्टन ऐसे नहीं होता कि टॉप ऑर्डर हमेशा ही परफॉर्म करे सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द विदिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में अगर हम अपनी मिसाल लें पाकिस्तान की सऊद शकील ने हमें रन करके दिए हैं नीचे से दो हाफ सेंचुर उनकी हमें मिलती है या और भी टीम्स है जहाँ टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म करता तो सिर्फ ये कह देना कि चूंकि टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया इसलिए मिडिल ऑर्डर भी नहीं कर रहा आपको लगता है जस्टिफाइड होगा वैसे ये बातें तो वो लोग करते हैं जिनको शायद क्रिकेट की समझ कम हो जो मलबा दूसरे पे डालना चाहते हो बिकॉज जब आप खेल में किसी भी नंबर पे खेलें आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो आप दूसरे पे डाल के अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते या okay. और भी सैम करण है लाइक like इस तरह के जो बंदे हैं इन इनसे ये वाला टैग थोड़ा सा हटा दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी ऑलराउंडर्स को कम से कम तकलीफ नहीं होगी जो दुनिया के बिल्कुल तो मुझे ये लगता है कि ये इनका रहा है कि लोअर मिडिल ऑर्डर ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया इसके कि वो इनके या तरफ जो है उन्होंने की बिल्कुल तो। अब आपने बोलिंग की बात की है तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली इंग्लैंड की बैटिंग के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए लेकिन बोलिंग के अंदर भी खास तौर पर फास्ट बोलर बहुत रनस दे रहे हैं उनसे कंटेन नहीं हो रहे हैं जहाँ पर हमने बैटिंग के ऊपर प्रेशर की बात की बॉलिंग भी है। बहुत फास्ट बोलिंग उनकी बहुत अंडर प्रेशर है इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप इकोनॉमी रेट देखें जी पी का तो इंग्लैंड की टीम इस वक्त बॉटम पे है पांच मैचेस में आ, 19 विकेट्स लिए हैं और सिक्स पॉइंट मतलब कि ऑलमोस्ट सिक्स पॉइंट टच हो रहा है इनका इकोनॉमी रेट लेकिन कंपेयर अगर आप बाकी टीम्स के साथ करें खासतौर तौर पर इंडिया जो टॉप पर नज़र आ रही है तो फास्ट बॉलर्स जहाँ पे इंडिया के बहुत ज़्यादा विकेट टू तो विकेट बॉलिंग करके टाइट लेंथ के साथ वो करते हैं दे कंटेन रन वो वो चांसेस क्रिएट नहीं करते इंग्लैंड के साथ क्यों ये इशू आ रहा है देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस इस वजह से है कि जब आप एशिया में खेलने आते हैं तो यू नी नीट पेस और इंग्लैंड के अभी जितनी भी हमने बॉलिंग लाइनअप देखी है उसमें सिर्फ एक बॉलर है जिसकी पेस है वो है मार्कवुड और मार्कवुड भी अभी अपनी बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स में नहीं है आ, क्रिस वॉक्स को स्विंग नहीं मिल रहा ही लुक वेरी एक नॉर्मल बॉलर इसी तरह सैम करन है इसी तरह डेविड विली है ट्रॉपले को थोड़ा सा बाउंस है नए बॉल पे थोड़ा सा उसको स्विंग मिल जाता है जिसकी वजह से वो है आ, मैं वो, वो इंजर्ड हो गया ठीक तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जब आपके पास बॉलर देखिए इंग्लैंड हमेशा खेलता है अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ पे इस तरह के बॉलर लेकर रहेंगे तो यहाँ पे तो हम लोग वैसे ही उनको सुबह शाम खेलते रहते हैं वो तो ट्रेवल ही नहीं करते आप लोगों को आ, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर था ना एक्स फैक्टर नहीं है इनके पास जो एक्स फैक्टर है वो फॉर्म में नहीं है आर्चर का ना होना उनके लिए नुकसान दे रहा है साकिब महमूद उनके पास एक अच्छे बॉलर थे जो पेसी थे जो रिवर्स अच्छा कर लेते थे वो भी अनफिट है तो इंग्लैंड ने थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि उन्होंने अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन ज़रूर किया जिस पर वो हमेशा खेलते हैं लेकिन बॉलिंग को इस दफ़ा उन्होंने उस तरीके से जो यूटिलाइज़ नहीं किया और उसकी वजह साफ नजर हमें आई और इसी तरीके से अगर हम आदिल रशीद को भी देखें तो आप ये देखें कि पाँच मैच अभी जो इंग्लैंड खेला है छः मैच खेला है उसमें उन्होंने पूरे पचास या चालीस भी आउट नहीं किए होंगे मुझे ऐसा लगता तीस आउट भी नहीं है अगर हम इनमें आदिल रशीद की भी डाल लें इन पाँच मैचों में

वो स्विंग पे डिपेंडेंट है इंडिया में स्विंग नहीं हो रहा हमारा शाहिन शाह अफरीदी की हम बात कर करें नया बॉल स्विंग उस तरह नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम तो फिर रहेगी जो विकेट पे मार के बॉल नहीं करेगा वो बॉलर इधर कामयाब नहीं हो रहा आप देखिए हेजलवुड मार के कर रहा है मैट हेनरी को पिछले मैच में रंज हुए लेकिन वो मार के कर रहा है परफॉर्म कर रहा है बोल्ट का भी बॉल इतना स्विंग नहीं हो रहा नया बॉल तो जो स्विंग पे डिपेंडेंट इनके बॉलर है करन क्रिस वोक्स जो भी ये खेलते हैं ये स्विंग पे डिपेंडेंट जब स्विंग नहीं हो रहा तो बॉलिंग इनकी आधी रह जाती है जो थोड़ी बहुत है वो भी आधी रह जाती है मार्कवोट वनडे में अभी तक टेस्ट मैच में एक्सपेक्टर हैं लेकिन वनडे में अभी तक एक्सपैक्टर नहीं है तो इतना बड़ा अगर हैंडी कैप होगा तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे ना कि बैटिंग आपकी साढ़े तीन सौ चार सौ हर मैच में करे तो आप जीतोगे और साढ़े तीन सौ चार सौ मसवाए कल के मैच में जहां पे दोनों इनिंग्स में हुआ है साढ़े तीन सौ चार सौ पहली इनिंग में ही हो रहा है चेस में चेस्स नहीं, नहीं, हो, नहीं हो, रहा। हो रहा तो बैटिंग आपको बेल आउट कैसे करेगी ये ठीक है बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म है रन नहीं कर रही लेकिन बैटिंग आपको बेल आउट कैसे करेगी कि चार सौ रन बैटिंग फर्स्ट करके चार सौ रन करे तो ही आप मतलब मैच जीतोगे तो प्रॉब्लम बैटिंग का तो है वो तो हाईलाइट हो रहा है लेकिन जब बैटिंग जो आपको पिछले आठ सालों से या सात सालों से बैटिंग आपको जितवा रही है जिधर वो फेल हुई है तो बॉलिंग आपको एक मैच नहीं जितवा सकती बॉलिंग में इतना बड़ा वो गैप है कि क्रिस वोक्स क्या इवन रीस टॉपली ने एक स्पेल अच्छा किया नए बॉल से बट जहाँ पे स्विंग ख़त्म हुआ है इनका ये बिल्कुल ऑर्डनरी लगने लग गए हैं इंडियन कंडीशन में इंडियन कंडीशन में जब तक आपके पास वो शॉर्ट ऑफ लेंथ जब तक आप कंसिस्टेंट लेंथ में बॉल नहीं करोगे तो आपके फास्ट बॉलर नहीं कामयाब बुमराह बहुत कामयाब है बुमराह कहते हैं उसका स्विंग लेकिन बु, बुमराह के पास और ज़्यादा ऑप्शंस है स्लोअर वन है यॉर्कर है डेथ बॉलिंग करता है इसलिए कामयाब है इनकी बॉलिंग में मुझे एक बॉलर वहाँ बता दे कि जो शुरू में भी बॉल कर सकता है स्विंग ना हो रहा हो जो बीच में भी बॉल कर सकता है जो एंड में भी बॉल सकता है मुझे तो अभी तक इनकी बॉलिंग मैं बिल्कुल बाजीद भाई की बात को एग्री करता हूँ उनके साथ उसकी वजह यह है कि आप कभी भी देखेंगे कि इंग्लैंड के बॉलर जितने भी हैं सारे वो यॉर्कर पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं वो मोस्टली है लेंथ बॉल पर डिपेंडेंट के जिधर वो लेंथ पे गेंद मार के थोड़ा सा बॉल को स्किड करता है या बाउंस करता है लेकिन ये इंडियन ट्रैक्स हमने देखा है स्लो ट्रैक्स हैं बैटिंग ट्रैक्स है इसमें टाइम मिलता है इवन के जो बैक ऑफ लेंथ शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है उसके ऊपर भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता तो अब ज़्यादातर रन भी उन्हीं बॉलों के ऊपर ही, ही हो, हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एक फर्क है कि इनके पास कोई दूसरा गो टू बॉल नहीं है जब ये फंसते हैं तो दे डोंट नो कि इनका विकेट टेकिंग बॉल कौन सा है क्योंकि ना ये वन आपको नजर आए होंगे इनकी एग्जीक्यूशन में ना यॉर्कर नज़र आया होगा ना ही आपको कंप्लीट कोई बाउंसर नज़र आया होगा कि जिधर ये कोशिश करते हो कि हम क्या करें क्योंकि जब आपकी पेस कम हो और स्लो विकेट हो उस पर बॉल मैनेज हो रहा हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता आपके लिए एक्जैक्टली exactly. अब जहाँ पे हम बॉलिंग की बात करें मेरा ख्याल है एक्सप्रेस पेस भी शायद बैटर्स को यहाँ पे हेल्प करिए जो हमने कल के मैच में देखा हम फर्गसन की भी बात कर सकते हैं बोल्ड की भी कर सकते हैं मैं जरा राशिद भाई की बात के साथ इस बात को कनेक्ट करना चाहता हूँ मेड भी बॉलिंग मेड भी बैटिंग राशिद भाई ने एक बात की थी कि यार अगर किसी टीम ने फेलियर अभी तक देखा ही नहीं था तो शायद उनकी प्रेपरेशन उस हिसाब से ना हुई हो बाजि भाई आपकी तरफ आता हूँ अभी इससे पिछले सेगमेंट में हमने दिखाया कि आफ्टर टू हमने देखा कि इंडिया वर्ल्ड कप गेम्स में स्टेज की जहां बात करते हैं कि हम बैटिंग फील्डिंग की तो बात करते हैं लेकिन हमने अभी तक मेंटली में में कितना प्रिपेयर किया गया होगा खिलाड़ियों को देखिए बात थोड़ी अगर ब्रेक पे नहीं जाना तो फिर बात हो सकती थोड़ी हो सकती है नहीं थोड़ी नहीं कंप्लीट होगी लेकर ऐसे ऐसे नहीं करना अब इस मैच में बहुत इम्पोर्टिट ये बात है क्योंकि ये पहले तो हम देखते हैं कुलदीप को जो इंडिया ने इम्प्रूव किया है जिसपे कोई रोशनी डाल नहीं रहा जाहिर है इंडिया का आप देख रहे हैं कि जी हार रहा है चार नॉकआउट मैचेस हार रहे हैं बट इवन देन मतलब 2011 से लेके अब तक इनकी परफॉर्मेंस बहुत गई होगी अब बात करते हैं कुलदीप की कुलदीप खेलता है इंग्लैंड के खिलाफ टू में बेस्टो और रॉय इसको छक्के मारते हैं वो जो एक इनका बना हुआ था कुलचा निहारी वाला नहीं लेकिन वो कुलदीप और चाल वो बना हुआ था वर्ल्ड कप से पहले ये जब वर्ल्ड कप खेलता है उस मैच के बाद इसकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है फिर आईपीएल का एक मैच खेलता है उसमें इसको बहुत मार पड़ती है ये ड्रॉप हो जाता है अब आमतौर पे ऐसा बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर होता है या ऐसे लेग स्पिनर होता है लेफ्ट आर्मर वो जब एक दफ़ा ड्रॉप हो जाए ना तो बहुत ही रेयर है कि वो टीम में वापस आए हर किस्म का इसको सपोर्ट दिया है कि ये हमारा प्लेयर जो भी प्लेयर ड्रॉप हो रहा है ये वो हमें बिहाइंड नहीं पता कि वापस आ रहा है नहीं आ रहा है। ये तो वापस आ गया ना जी। उसको सपोर्ट दे रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिया में प्रेशर बहुत है आउटसाइड नॉइज उसको कैसे हैंडल करना है वो सारा कुछ हो रहा है हमारे इधर साइका के पास चल रहे psychiatrist, psychiatrist और साइका में जमीन आसमान साइकोलॉजी में भी बहुत ज्यादा फर्क है तो उसको ये हेल्प करे दूसरा प्लेयर जो इस ग्राउंड पे अनफिट हुआ है वो है के राहुल वो छः आठ महीने के लिए ना क्रिकेट से बाहर हो जाता है वो पहले कहता जब मैं अनफिट हुआ ना तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार मैं अब क्रिकेट नहीं खेल सकूँगा ये वो कहता जब मैं तीन चार महीने के बाद मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए अच्छा हो गया उसमें सपोर्ट मेंटल एस्पेक्ट पर उस पर वर्क यह किया जी हाँ जी आपने आउटसाइड नॉइज़ जो आ रही है उसको कैसे डील करना है प्लस जब वो कहता है मैं टीम कल्चर में आया हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि वो ऐसे मेडल का कर रहे हैं कहते हैं ये प्रेशर रिलीज कर रहा है हाँ, हमने वर्ल्ड कप जीतना है वो, करके वो प्रेशर रिलीज कर रहे हैं वो आपने जीतना है बट इसमें फन एलिमेंट कह लें या थोड़ा सा प्रेशर उस तरफ जुदेजा ने कैच पकड़ा तो कह रहा है मेडल मुझे मिले इनकी अपनी टीम का फिर कहता है हमारी टीम में अब ये कल्चर है कि जैसे गिल है वो रोहित शर्मा से मजाक कर रहा है तो उस तरफ भी हम गए टू रिलीज ऑल द प्रेशर जाहिर है हमने वर्ल्ड कप खेलें एंड में तो ये ब्रेक ना बताएं मुझे अभी एंड में तो हम बॉटम लाइन यही है हमने वर्ल्ड कप लेकिन जो प्रोसेस है ना जो आपको चाहिए जो पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका ये बहुत पीछे रह गए हैं इस एस्पेक्ट में और राशिद भाई भी मेरे ख्याल इस एस्पेक्ट को बहुत मानते हैं जो मैंने तो ऐसे लंबी सी बात कर दी है ये बिल्कुल उसको समराइज कर सकते हैं है। 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 देखिए ड्रेसिंग रूम में उसको आना चाहिए जो वहाँ का बिलोंग करता है

बैक। पे गुफ्तु को ब्रेक की तरफ लेकर गए थे वही से अब ब्रेक के बाद उसी के साथ कनेक्ट करते हैं वापस जरा हफीज भाई की जाने बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि हफीज भाई आप इंटेंट की एग्रेशन की हमेशा बात करते हैं आप कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट और साथ ही साथ आप कहते हैं बेसिक फाउंडेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे जो बात अब करने की बनती है कि जो डिफरेंस शुरू में ही पहले दस ओवर्स में नजर आता है पावर प्ले में जो जब हम ओपनर्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली तो हमें नज़र आता है कि जैसे हम अगर फर्श कल के मैच में हम देखते हैं तो हम डेविड वार्नर को देख लेते हैं कि आते साथ दे मेक श्योर दैट दे टू पुट इन दैट इंटेंट जब हम बात करते हैं रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा के बारे में जो बात अभी सुनने में और देखने में भी मिलती है वो यही है कि यार जिस तरह से इन्होंने अपने इंटेंट को तब्दील किया ही इज नॉट एमिंग फॉर अ हाफ सेंचुरी और अ सेंचुरी फॉर हिमसेल्फ राधा वट इज लुकिंग फॉर इज कि वो वो एक ऐसा स्टार्ट दे जिससे टीम की फाउंडेशन जितनी जल्दी डिवेलप हो सकती है वो बन जाए ताकि लेटर ऑन मिडिल ओवर्स में मिडिल बैटर्स आके स्कोर कर सके सो so, मैं आपके सामने जरा एक स्टार्ट रखना चाहता हूँ फिर उसके बाद मजीद उसके ऊपर बात करता हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट की जब हम बात करें तो रोहित शर्मा हैपन्स टू बी ऑन टॉप जब हम फोर्टी बॉल्स मिनिमम फेसिंग की बात करेंगे तो हमारे सामने नाम आते हैं रोहित शर्मा हंड्रेड का स्ट्राइक रेट डेविड वार्नर हंड्रेड एंड एट क्विंटन डिकॉक हंड्रेड एंड फाइव जॉनी बेस्ट नाइन्टी सेवन पॉइंट थ्री थ्री घुसाल मेडिस नाइन्टी सिक्स पॉइंट नाइन टू और इमाम इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि चालीस गेंदे मिनिमम शायद उन्होंने फेस नहीं की उनका स्ट्राइक रेट है एटी सिक्स का <laughs> तो रोहित right की तो तारीफ हमने पहले भी की बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे गोलों को छोड़ना पड़ता उनका बड़ा गोल यह है कि वो अपने कैरियर में विनिंग मोमेंट्स ऑफ वर्ल्ड कप वो लेना चाहते हैं और उन्होंने चैलेंज किया अपने आप को क्योंकि ऐसे क्रिकेटर हमने देखे हैं पिछले दस साल की क्रिकेट में कि जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ जो जो रिक्वायरमेंट आई इन्होंने अपने आप को उनसे आगे करने की कोशिश की और सीखने की कोशिश की तो ये टैलेंट तो पहले ही था लेकिन जो बाकी भी अगर आप देख रहे हैं तो वो कामयाब बैट्समैनों में इसलिए शामिल हैं कि मॉड जैसे डी कॉक की बात कर की आपने कुसाल मैंडस है जॉनी बेस्टो है ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपनी टीम की तरफ से मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपनी डेवलपमेंट की है और उसको एग्जीक्यूट किया है तो जो नहीं कर रहा वो पीछे रह रहे हैं कल बाजु भाई ने डेविड वार्नर के हवाले से बात की थी कि यार वो बहुत ही सेलिब्रेटेड अब एक इंडिविजुअल बन चुके नथिंग टू लूज क्या रोहित भी इसी माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि हो सकता है प्रॉब्ली बिकॉज इट्स माय लास्ट वर्ल्ड कप मैं इस इंडलैंड के साथ जाना चाहता हूँ कि एक ट्रॉफी मैं भी इंडिया को देकर जाऊँगा लास्ट वर्ल्ड कप वहन में होगा नहीं होगा लेकिन वो अच्छा खेल रहे हैं इन्जॉय कर है। गेम को जब आप अपनी कमांड में खेल रहे होते हैं ना आप इंजॉय ज़्यादा हाँ। करते हैं हालांकि कैप्टन है प्रेशर भी होगा लेकिन जैसे हफीज ने बात की जो गेम खेल रहे हैं ये अमूमन ये पहले पचास रन के बाद खेलते थे अब ये पचास रन से पहले वाली इनिंग चल रही है लेकिन पचास ही कर रहे हैं लेकिन टीम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि आने वाला बैटर जैसे कल ट्रेवल्स हेड ने बैटिंग की और वॉर्नर ने वो कितना ज़्यादा आगे चले गए थे दस ओवर में एक सौ अठारह बना थे आप फ्लॉप हो के, रोक रोक के भी आप तीन सौ अठासी में पहुँच गए ना बिल्कुल तो ये रोल शायद अब आने वाली क्रिकेट में नज़र आ रहा है पहले टी में हम छः ओवर यूटिलाइज करते थे अब ये टेन ओवर में कर रहे हैं तो ये इस इवेंट से पहले ये बना चुके हैं डेविड वार्नर का कामयाब होना रोहित शर्मा का चेंज होना ये दो टीम में रिफ्लेक्ट कॉनवे का या रविंद्रा का बैटिंग करना फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक थोड़ा नॉर्मल खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पावर प्ले के बाद भी वो इतना मार सकते हैं तो ये स्लाइड जो दिखाई थी उसमें रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है इन प्लेयर्स की भी एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल लेट्स टॉक अबाउट क्योंकि बैटर्स में हमें पता है कि उनके जो टॉप बैटर्स हैं इस वक्त सब लाइंड फॉर्म में चल रहे हैं बट अगर हम वहाँ उनकी बॉलिंग की बात करें ओडीआई क्रिकेट में खास तौर पे जो इम्पैक्ट बुमराह ने क्रिएट किया है थ्रू हे स्पेस थ्रू हे स्विंग थ्रू द वेरिएशन दैट ही यूज उनकी एक्यूरेसी हर चीज़ जो आपको एक फास्ट बोलर में रिक्वायर्ड है वो बुमराह डिलीवर करते हैं उस पर uh, और अभी उनकी इकोनॉमी रेट भी जो इस साल चल रही है वो बेहतरीन जा रही है वॉट डू यू थिंक मेक्स बुमराह सो इफेक्टिव इन वन डे क्रिकेट अगर आप देखें उनके स्टैट्स 10 इनिंग्स में

इसलिए दे नो द बॉल दे नो द आइडिया विकेट को जल्दी रीड कर लेते हैं दे नो के इस पे जिस तरह मार के बॉल करना है इधर हमने बॉल आगे नहीं करना इधर बैट्समैन को, को कहना है कि चांस लो क्योंकि विकेट इतनी अच्छी है शॉट्स तो लग रहे हैं थ्रू द लाइन भी लग रहे हैं ऑन द अप भी लग रहे हैं लेकिन विकेट टू विकेट और उसके तो साथ ये तो नहीं ये लोकल है बुमराह उनको ज्यादा पता है मेथड ये इंडिया में बॉलिंग कैसे होनी है शायद स्टार्क और ये लोग खेलते जरूर हैं लेकिन टाइम लगता है जैसे हमारे तुम लोग जब ऑस्ट्रेलिया जाते होगे लेंथ ढूंढते होगे आगे या पीछे करनी जो ये वजह तो नहीं है कि इनको मैथड का पता है कि हम अपनी जमीन पे कैसे बॉल करनी है देखिए राशिद भाई आपको एडवांटेज ज़रूर मिलता है लेकिन अगर हम ओवरऑल एशिया की बात करें तो एशियन विकेट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश विकटें ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं तो फिर बाकी हमारे बॉलर्स भी उस तरीके से या दूसरी टीमों के बॉलर उस तरीके से इफेक्टिव क्यों नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। स्किल का फर्क तो स्किल का फर्क नहीं है इट्स द माइंड सेट बेसिकली अगर मुझे यह पता है कि मेरी बॉलिंग में मुझे किस वक्त अटैक करना है किस वक्त मुझे डिफेंसिव रहना है किस right. वक्त मेरे आ, बिल्कुल थ्रोटली जो है वो पूरा लेके जाना है मैच को तो मैं उसके हिसाब से करूंगा स्टार्क है आज भी दिन में इज इज सक्सेसफुल बॉलर लेकिन वो आता है वो आगे ही बॉल करी जाता है और करता ही रहता है एंड ही इज़ नॉट चेंजिंग एनीथिंग अगर अब आप देखें कि स्टार को भी ज़्यादा रन हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि वो भी आके बस अब आगे जोर लगाना दे। करना शुरू कर देता है बुमरा क्या करता है वो आता है वो देखता है कि यार अच्छा विकेट है बॉल नहीं जा रहा बॉल फंस रहा है क्रॉस द स्लोअर स्लोर वन कटर्स मिक्सअप एक आधा तेज बाउंसर निकाल देना फिर

क्या कहेंगे टीम इंडिया के लिए क्योंकि जब वो इंजर्ड थे टीम इंडिया विदाउट बुमराह एंड टीम इंडिया विद एन इन फॉर्म फिट बुमराह इज कम्प्लीटली इंडियन टीम करंटली पहले ओवर का economy. मेरे मेरे हिसाब से ना मतलब शायद लोग ना माने लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त फास्ट बॉलिंग वन डे क्रिकेट में मोस्ट स्किल बॉलर जो है ना वो बुमराह है उसके अलावा कोई भी नहीं है जो इन्होंने बातें बताई ना कि इन स्विंग कर ले आउट स्विंग कर ले स्लो कर ले बाउंसर कर ले यॉर्कर कर ले ऐसा बॉलर आप कह रही हैं टैलिजमन लेकिन ऐसा बॉलर जब टीम में नहीं होगा तो उसको याद तो ज़रूर करेंगे ना जब वो टीम में आएगा तो वो अफेक्ट तो करेगा ना टीम को क्योंकि इसकी जो स्किल लेवल है वो किसी और बॉलर इंडिया को छोड़ें मुझे तो वर्ल्ड में लग रहा है कि वाइट बॉल में

बेहतर बाउंस देती है या, या वो कैरी करती है तो आज ग्रास क्यों नहीं है जी <laughs> आज ग्रास क्यों नहीं है टर्निंग तर, ट्रैक शायद बनाना ज़्यादा नहीं लेकिन ये कि इंग्लैंड को फेवर ना करे शायद लग रहा है ऐसे लेकिन इस पिच का ये है कि बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं हुआ है रिले हुआ जैसे बाद ने कहा था पहले कि ये रिले पिछे ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कभी कभार धोखा भी देती जैसे हम लोग को बहुत दफ़ा होता है पिच ये खेलना चाहिए था चेन्नई में वो हमें बैकफायर कर गया तो कभी-कभार आप बनाते किसी के लिए तो हो हो सकता है हो जाता है। नुकसान जाता सही। तो जब अश्विन तो पे पे <coughs> <देखे coughs> बिल्कुल खेलेंगे इस विकेट के ऊपर देखें जिस तरह आपने कहा कि जितनी भी एशियन जो एशिया से बाहर जितनी भी टीम है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हो गई न्यूजीलैंड हो गई उसमें हमने देखा कि बॉल ने टर्न लिया है आज भी हम वही चीज देखेंगे इवन uh, कि अगर uh, जो आने वाला इनका मैच होगा uh, इनका साउथ अफ्रीका वाला उसमें भी आप देखेंगे बेसिकली वो अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं uh, उन्हें पता है कि उनके मैच कहाँ पर हैं उन्होंने कहाँ पे किस टीम को खिलाना है किस टीम के खिलाफ उनकी कौन, क्या स्ट्रेंथ उठा रहे हैं इंडिया जारी बात हो लेकिन टूर्नामेंट तो आईसीसी का है बेशक हो बेशक हो आई पिच तो आईसीसी प्रिपेयर नहीं करता ना

थ्री स्पिनर्स इन टू पेट व्हाट इंडिया इज लुकिंग देखिए वो सोचेंगे जरूर इस बारे में दूसरा जो एस्पेक्ट इधर है कि इंडिया सारे वेन्यूज़ पे खेल रहे हैं नौ के नौ वेन्यूज पे सिर्फ वाइट टीम है बिकॉज इंडिया में ही मैच हैं तो नौ के नौ वेन्यूज़ पर खेल रहा है yeah. तो ये ठीक है शायद उनको फेवर हो रही हो लेकिन अगर आप नौ के नौ वेन्यूज़ पर हर टीम yeah. को हरा देते हैं तो फिर ये क्वेश्चन मार्क जो है मेरा नहीं ख्याल कि आप रेज कर सकते हैं

जो स्पिन होना है वो शायद पहली इनिंग में ही हो लेकिन जो इंडिया ने टीम खिलाई है वो तो रोहित की बात माननी पड़ेगी कि वो इस प्लान से आए थे कि हम पहले बैटिंग ही करेंगे क्योंकि स्पिनर एक्स्ट्रा नहीं खिलाया शमी को ही खिलाया तो वो इसी प्लान से आए थे कि अंडर लाइट्स हम बॉलिंग करें इंग्लैंड ने ज़ाहिर है इंग्लैंड चेस को ही प्रफ़र करता है लेकिन शायद आज सुबह जब जैसे ड्राई पिच देखा होगा तो उनका ख्याल यही होगा कि शायद दूसरी बैटिंग में थोड़ा सा बॉल बल्ले पे जा, जा पे बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा वहाँ पे की बैटिंग काफी सफर करती हैलैंड के परस्पेक्टिव में भी ये बात की थी कि यार हम नेदरलैंड ने पहले जो बॉल करने का फैसला किया तो उन्होंने अपने को ही चैलेंज दे दिया राधर के पहले रन ऑन बोर्ड पोट करते अब इंग्लैंड एट द बॉटम इंडिया को हम देखते हैं नंबर दो पे पॉइंट टेबल पे मौजूद है इंग्लैंड के लिए रिस्की सिचुएशन ही होगी ज्यादा क्योंकि अगर हम उनकी बॉलिंग को देखते है, तो दे हैं तो दे हैं तो दे ऑन बॉलिंग सो आर गोइंग टू फॉर इट आपको लगता है कि बैटिंग शायद आज परफॉर्म कर पाएगी जो अनफॉर्चुनेट नहीं कर सकती देखिए उन्होंने दोबारा से अपनी बैटिंग को बैक किया अगर आप देखें तो उसने कहा कप्तान ने खुद के हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते लेकिन ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियंस और अपने प्राइड के लिए खेलना है सो दे कैन नॉट कम इन एंड जस्ट गिव इट अवे दे विल ट्राई लेवल बेस्ट वंस अगेन दे हैव ऑप्टेड टू चेज जो उनकी स्ट्रेंथ है और उनको लगता है कि इस विकेट में नए बॉल से थोड़ा सा या पहले बॉलिंग करके उनको जो थोड़ा बहुत उनको एडवांटेज मिल सकता है उसमें अगर उनको कोई दो तीन विकेट मिल गई तो दैट कैन क्रिएट अ डिफरेंस बिल्कुल हफीज व्हाट डू यू मेक ऑफ द डिसीजन बटलर का और uh, किस माइंडसेट से अब इंडिया अपना टारगेट <laughs> सेट करेगा देखिए इंडिया तो बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहा है इसमें तो कोई शक ही नहीं है और जो बीके ने बात की कि नो डिफरेंट वेन्यूज का ट्रैवल भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी बॉडी और वो वो जो भी कंडीशन मिल रही है उसमें परफॉर्म कर रहे हैं इसमें तो कोई लाइक like, कोई दूसरी बात ही नहीं की जा सकती कि वो अभी तक डोमिनेटिंग पोजीशन में इसलिए हैं कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड की अगर बात करें तो जो उन्होंने बात की वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने जस्टिस नहीं किया अभी तक अपने अपने टैलेंट के साथ एज ए टीम तो शायद जो वो अपने आप को दोबारा उसी स्टेज पर ले आए हैं जहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन फिर भी उन्होंने यही सोचा कि जो हम हैं कम अज़ कम उसी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें

जो रोहित भाई रोहित ने अभी बात की आ, अभी बाजिद भाई ने भी यहाँ पे जिक्र किया कि यार वो हो सकता है इसी माइंडसेट के साथ आए थे सिर्फ बात ये हम पूछना चाहते हैं कि जब हम वेन्यू की बात करते हैं हमने ये पहले भी तस्कर किया क्योंकि वो ज्यादा वेल अवेयर है विद द कंडीशन तो एशविन शायद आज उनके लिए मोर फीजल हो सकते थे लेकिन वो अनचेंज टीम के साथ ही जा रहे हैं एंड सेम गोज फॉर इंग्लैंड अनचेंज जाहिर सी बात है वो वहाँ मौजूद है पिच का ज्यादा बेहतर उनको ही पता होगा મે બી ચેન્નાઈ મે ખિલાયા ઉનહોને 3 અગેન્સ્ટ ઓસ્ટ્રેલિયા ખિલાયા શાયદ ઉસકે બાદ નહીં ખિલાયા ઉનહોને લેકિન યહા પે ટેસ્ટિંગ જો હે વો ઇન્ડિયન બેટિંગ કી વો બહોત દફા હો ચુકી હે ઓર ઉસમે વો કਾਮયаб ભી રહે હે ઓસ્ટ્રેલિયા ને બેટિંગ પહેલે ભી કી દૂસરી ભી કી દોનો મે કਾਮયબી મિલી યહા પે અગર ઇન્ડિયા કો થોડા ડેન્ટ પડતા હે પહેલે બેટિંગ કરકે

and the chase master Kohli will certainly won't be getting that chance today. But in the middle order, we do see Shriya Saiya, the one that name which everybody needs to remember, 102 meters 6, the longest distance, the sixer has uh, actually covered in this World Cup. Then comes in KL Rahul, Surya Kumar Yadav is something which uh, we might be betting on today as well. And then there's Jadeja towards the lower order, there's Bumrah, Kuldeep, well life's going to be a full circle for Kuldeep, you know, as Bazit bhai has mentioned, you know Kulchab, you know Kuldeep and Chahal. So Kuldeep certainly in this World Cup will be looking forward to what actually happened in 2019 with them as well. And there's the Shami and Siraj. Now moving on towards England, the Kings Cross, ladies and gentlemen. First up in the top order, we do see Bairstow, David Milan and Root. Milan comes in with essentially, Obviously, everybody needs to kind of recognize that that any given day he can certainly put up a show. Not just that, towards the middle order, there's Ben Stokes, Butler, Livingstone, and Moin Ali. And then towards the end in the lower order, there's Chris Walks, Willie, Adil Rashid, and Mark Wood. And that's it, ladies and gentlemen, for the playing 11 for both the teams. Back to you guys. Jiroa. Thank you, Shahzad. I think we have teams. Strengths, kooper, um weaknesses, baby bad kies. अब मैं बात करना चाहती हूँ वो जो हम इस सेगमेंट में रोज बात करते हैं बीके की तरफ हम आएंगे बीके क्या एक्सपेक्टेशंस है लखनऊ से लखनऊ से बहुत एक्सपेक्टेशंस है बहुत दिल कर रहा है कि ऐसे वीजा लगे और हम लखनऊ चले जाए क्योंकि माहौल बहुत है कि एक जैसे एक जगह है चौक इनके ना लखनऊ में वहाँ पे सबसे पहले तो कल हमने तस्वीर भी देखी टूडे के कबाब वो के कबाब बिल्कुल बहुत ही मशहूर है अब वो लेकिन वो जाके खाने के हैं इधर मतलब डिलीवरी नहीं हो सकती शायद डिलीवरी नहीं फिर उधर उधर ही उस चौक में और भी ऐसे दुकान ऐसे नहीं है सिर्फ टूडे टूडा सबसे ज्यादा मशहूर है लेकिन वो और भी चीजें हमारे हफीज के फेवरेट छोले भटूरे वहाँ आउटस्टैंडिंग मिलते हैं शीर माल भी उधर मिलता है तो अगर आप चौक चले जाए तो आप मतलब

चौक पे चौक पे गुजार के वापस ज़बरदस्त। केज इंडिया एंड इंग्लैंड कम टूगेदर इन लखनऊ बट बिफोर वी स्पीक एनी फर्दर लेस लेट्स मूव ऑन टू वर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे एंड क्वेश्चन टूडेप टू बी ऑबीस सर आपकी तरफ आएंगे आप लोग भी प्लीज तैयार रहिए बिल्कुल <laughs> क्योंकि हम चाहेंगे कि आप हाँ हमारे व्यूअर्स की बहुत मदद करें जो भी नाम आप लेंगे उनमें से एक नाम आज होना चाहिए सर बहुत गलतियां हो रही हैं हमसे <laughs> प्लीज आज हमने कोशिश करनी है क्वेश्चन ऑफ द डे हु विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच इन टू लेडीज एंड जेंटलमैन एक फिर से सवाल दोहराता हूं कि आज प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की लखनऊ में हम बात कर रहे हैं टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन के ऊपर मौजूद है प्लीज फोन फोन उठाइए अभी से मिलाना शुरू कर दीजिए क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आप लोगों को हम एक खुशखबरी देंगे आके जे डॉट ही की जानेब से खूबसूरत तोहफा आप लोगों को दिया जाएगा <laughs> और आप लोगों की मदद में यहां पर शामिल होंगे हमारे एक्सपर्ट्स तो राही भाई आज का प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा जो रूट बाकी ठीक है मैंने कहा एक दो फिर से सोच ले सर अब मुताद अंदाजे के मुताबिक जो रूट जो रूट ओके okay. अफीज भाई बड़ा मुश्किल सवाल है यार <laughs> जवाब दिमाग में फीड नहीं हो रहा मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया जीता तो बुमराह

मैं बटलर को सपोर्ट करता हूं गिरा, गिरा गिरेवे को सपोर्ट करनी जरूरी है हाय ओए जाल्मा खड़ा हुआ है <laughs> जी <laughs> वाह भाई शुभमन गिल शुभमन यानी कोई बॉलिंग की जाने में जा रहा है क्या हम अच्छा सपोर्ट कर रहे शुभमन गिल जी बात भाई मेरा मोनेली खेल रहा <laughs> आज ब्रोमो ब्रोमो ओके ठीक है वी हैव सम इंग्लैंड सपोर्टर्स

दुख जो है वो yes. नजर आ रहा है दुख रहेगा आखिर। <laughs> दुख रहेगा जी तो हाँ ये बड़ी गहरी बात है ये जब हम शाम को आएंगे आपको पता चलेगा कि इस जुमले का क्या मतलब था आई विल ऑन on ऑन higher साइड 380 कर दें थ्री एटी साइड मेरा Let's ख्याल see. है मैं, आज, मैं भी रहने इंडिया आज पहले बैटिंग कर रहा है तो कुछ कमाल तो करेंगे वो <laughs> बिल्कुल ने, ने, ये तो कमाल तो करें जहाँ पे चूंकि आखिरी दो मिनट है मैं सिर्फ दो मिनट लेना चाहता हूँ जब हार्दिक पांड्या की यहाँ पे बात मैं करना चाहता हूँ जब हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं तो बड़ा इम्पैक्ट होता है इंडिया की टीम पे हार्दिक पांड्या के होने से जो विन परसेंटेज है उसमें कम अज कम दस से पंद्रह ओवरऑल आज के मैच में सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन लेफ्ट नहीं है

कि अगर लेफ्ट हैंडर नहीं है इंडिया की टॉप सिक्स में तो फिर मोइन अली आज रेस्ट कराया जा सकता था मोइन अली देखें वो राइट हैंडर को भी अच्छी बॉलिंग करता है और उनके कंपोजिशन के लिए वो पूरा वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था द द मिस्टेक द मेड अर्लियर कि एक आज मैच के बाद जो मोइन अली को जो है वो सिट आउट किया गया वो एक मिस्टेक थी और अब आई थिंक दे दे ब्रॉट द बेस्ट कंपोजिशन फील्ड और विच दल दिल्ली वैसे इस बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते तो दो मिनट मैं खुद ही लूंगा अब सवाल डाल दिया जब हम कहते हैं हमें बात करने दो मिनट में खुद ही लूंगा तो राशि अब तो वक्त हो गया थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग करना है आप लोगों का बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग गेम ऑन है लखनऊ चलते हैं जी विल इट बी इंडिया टुडे हु विल डोमिनेट अगेन विल इट बी द डिफेंडिंग चैंपियंस हु विल विन और विल दे बी नॉक आउट लेट्स फाइंड आउट गेम ऑन है